हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल योमी ETC में। तो दोस्तों, आज जो कुछ खबरें निकल के आ रही हैं शाओमी की तरफ से मी मिक्स 4 और मी 9 को लेकर, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं क्या है वो खबरें, क्या रिपोर्ट्स में आने वाला है शाओमी की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जो खबर पहले निकल के आ रही शाओमी की तरफ से वो मी 9 को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, मी 9 ये कंपनी का अगला फ्लैगशिप मोबाइल होने वाला है और ये फर्स्ट हाफ में 2019 में रिलीज़ हो सकता है। साथ में शाओमी मी मिक्स 4 जो कि मी मिक्स 3 को सक्सीड करेगा, ये 2019 के सेकेंड हाफ में रिलीज़ होता है। तो ये खबर है दोस्तों, इन दोनों फ़ोन्स को निकल के अभी तक आ रही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि शाओमी मी मिक्स 4 और शाओमी मी 9 ये दोनों ही फ़ोन कंपनी के पहले ऐसे फ़ोन होने वाले हैं जो कि हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप पर दिखेंगे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिखेगा इन फ़ोन में। और साथ में दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कई सारी कंपनियों ने ऑलरेडी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप पर चले गए हैं, लेकिन शाओमी अभी तक अपने डुअल कैमरा पर ही वर्क कर रहा था, लेकिन अब ये चेंज होने वाला है इन फ़ोन के लॉन्चिंग के साथ। और दोस्तों, साथ में मी मिक्स 4 में ये भी बोला जा रहा है कि जो एक कैमरा होगा वो पेरिस्कोप लेंस पर वर्क करेगा, जैसा कि ओप्पो ने पिछले साल वर्ल्ड कांग्रेस में दिखाया था, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में एक फ़ोन जो ऑप्टिकल जूम के साथ जो पेरिस्कोप लेंस पर वर्क कर रहा था। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि मी मिक्स 4 में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। और एक और बात दोस्तों, ये दोनों ही फ़ोन दोस्तों हमें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट पर वर्क करते दिख जाएंगे। तो ये खबरें कुछ आ रही हैं वहाँ से। और फ्रेंड्स, रिपोर्ट में साथ में ये भी कहा जा रहा है कि दोस्तों, जो मी मिक्स 3 है वो पहला शाओमी का 5G कैपेबल फ़ोन होने वाला है। और दोस्तों, मी मिक्स 4 में भी शायद 5G कैपेबिलिटी होंगी, ऐसी भी अटकलें अभी लगाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, मी 9 में 5G कैपेबिलिटी होंगी कि नहीं, इसके बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, ये सारी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो लीक हुई हैं, जिनमें ये सब बताया गया है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए कि इंडिया में आने की, तो दोस्तों इसकी उम्मीद काफ़ी कम है कि ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होंगे, क्योंकि इस रेंज के प्रीमियम फ़ोन्स इंडिया में ज़्यादा शाओमी के नहीं चले हैं, मिड रेंज फ़ोन ही ज़्यादा चलते हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये फ़ोन आते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।